Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. सो गाइज आपने बहुत ही ज्यादा रूमर्स सुने होंगे कि जो कि हमारे सेट फ्रीकन रॉलिंस है गाइज, उनके बहुत ही बड़े लफड़े हो गए हैं WWE के साथ और शायद से हमको हमारी सेट रॉलिंस गाइज WWE कंपनी छोड़ते हुए भी देख सकते हैं। सो गाइज आज के इस एपिसोड में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि क्या सच में सेट रॉलिंस ने छोड़ दी है WWE की कंपनी। सो गाइज पूरा डिटेल जानने के लिए ये वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अगर आप WWE के और रॉलिंस के बहुत ही बड़े वाले फैन हो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। सो गाइस बात ऐसी होती है कि रॉ आफ्टर रेसलमेनिया में गाइस हमारे सेट रॉलिंस का एक सेगमेंट रहता है रिंग में और वो सेगमेंट में गाइस आपने देखा रहेगा कि सेट रॉलिंस से रिंग में आते हैं, उनका सॉन्ग सिंग करते हैं और चले जाते हैं। और बहुत ही सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि ओरिजिनली सेट रॉलिंस का इस सेगमेंट में ये प्लान था कि सेट रॉलिंस एक प्रोमो कट करेगा, लेकिन इसमें ये चीज कुछ भी नहीं हुआ। सेट रॉलिंस सिर्फ आए और उनका गाना के चले गए। और गाइस फिर क्या होता है गाइस, तभी है सेट रॉलिंस का थीम सॉन्ग चल रहा था तभी ही गाइस कमर्शियल आ गया। और एक रिपोर्ट ये भी आ रही है कि सेट रॉलिंस को ये बात बिल्कुल भी नहीं पसंद आई कि उनका मस्त थीम सॉन्ग चल रहा है, उनका भी प्रोमो आने वाला है और उसके वक्त ही गाइस WWE वालों ने कमर्शियल डाल लिया। और ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि सेट रॉलिंस के बहुत ही बड़े लफड़े हुए रॉ पे बैक स्टेज में और सेट रॉलिंस ने गाइस वॉक आउट भी कर लिया है रॉ से। ये सेम चीज हुई थी शास्त्र बैंक से नियोमी के साथ, तभी उनके भी लफड़े हो गए थे WWE के साथ और उन्होंने वॉकआउट किया था WWE के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड से। लेकिन सेम रिपोर्ट्स अभी सेट रॉलिंस के आ रहे हैं कि सेट रॉलिंस ने भी वॉकआउट किया है WWE से। सो गाइस मैं आपको एक रिपोर्ट दे देता हूं, बहुत ही बड़े सोर्स से मिला है कि ये सब जो रिपोर्ट्स है पूरे फेक है, ऐसा कोई चीज नहीं हुआ है सेट रॉलिंस के साथ। और गाइस वो कोई छोटे से रीजन रह सकते हैं सेट रॉलिंस और WWE के बीच, लेकिन कोई ऐसा बड़ा लफड़ा हुआ नहीं है और सेट रॉलिंस ने गाइस कोई वॉकआउट नहीं किया है। जो लास्ट वीक का जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड जो सेट रॉलिंस ने मिस किया गाइस, वो इसके वजह से नहीं कि सेट टोरेंस का काम पे नहीं आए गाइस, सेट टोरेंस को थोड़े ट्रैवल इश्यूज थे गाइस, उसके वजह से गाइस शायद से सेट टोरेंस का एपिसोड मिट किया, तो शायद से वो एपिसोड के लिए गाइस सेट टोरेंस शेड्यूल थे ही नहीं। लेकिन जो अभी का जो कमिंग कल का जो मैंने रॉक एपिसोड है गाइस, उसके लिए गाइस सेट टोरेंस शेड्यूल है। और कल के मैंने रॉक एपिसोड में जो कि हमारे सेट रॉलिंस है गाइस एक मैच भी रसल करते हुए दिखने वाले एकदम मिस किया गाइस। तो गाइस रिपोर्ट ये सब रिपोर्ट्स फेक है, ऐसा कुछ नहीं कि सेट टोरेंस कंपनी छोड़ने वाला है और हमको हमारे सेट फ्रीकिंग रॉलिंस गाइस WWE में ही दिखने वाले हैं फॉर अपकमिंग फ्यूचर, क्योंकि सेट रॉलिंस WWE के रिलेशंस बहुत ही अच्छा है और मुझे नहीं लगता कि सेट रॉलिंस ने ऐसा कभी काम करेंगे WWE के वॉकआउट करके कंपनी छोड़ देंगे और सेट रॉलिंस गाइस हमको और भी लंबे वक्त तक हमारे WWE में ही दिखने वाले हैं। और गाइस अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक और गाइस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं जिसके वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिलें।